सूबे की मान सरकार ने दिवाली के त्यौहार से सहकारी बैंकों के सारे वड्डे कर्जदारों को एक विशेष तोहफा दिता है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का उद्देश सूबे विच सहकारी खेत्र नूं मजबूत करना है। पंजाब सरकार के ऐलान अनुसार सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक वालों वड्डे सारे कर्जियां ते एक महीने की प्रोसैसिंग फीस नहीं ली जाएगी। सूबा सरकार ने सारिआं नूं इस ऐलान का लाभ उठाने की अपील की है। आओ वेखदे हां पूरी रिपोर्ट। पंजाब की सूबा सरकार भगवंत सिंह मान ने दिवाली के त्यौहार से सहकारी बैंकों के सारे वड्डे कर्जदारों को एक विशेष तोहफा दिता। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का उद्देश सूबे विच सहकारी खेत्र नूं मजबूत करना। पंजाब सरकार के ऐलान अनुसार सहकारी बैंक जिन्हों के कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता वालों सारे वड्डे कर्जियां ते एक महीने की प्रोसैसिंग फीस नहीं ली जाएगी। सूबा सरकार ने सारिआं नूं इस ऐलान का लाभ उठाने की अपील की है। भगवंत मान ने दस्सिया कि यह पेशकश ग्राहकों नूं निजी खपतकार अते वाहन लोन की सहूलत प्रदान करने लई शुरू की गई है। इसकी जानकारी दिंदिया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिवाली का समा वो समा हुंदा जदों लोग खरीददारी करते हैं अते यह पेशकश बैंक के ग्राहकों नूं आने वाले त्यौहारों नूं वड्डे पद्धर उत्ते मनाने की सहूलत देने लई है। इस कदम का उद्देश सहकारी बैंकों विच आर्थिक गतिविधियों नूं हुलारा देना भी है। उन्हां कहा कि जीरो प्रोसैसिंग फीस सीमित समय लई 15 अक्तूबर तो 15 नवंबर तक जारी रहेगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने दस्सिया कि जीरो प्रोसैसिंग फीस सीमित समय लिए रहेगी। उन्हें अगे कहा कि पेशकश बैंक वालों चंडीगढ़ में अपन 18 शाखावां लिए अपने ग्राहकों परसनल कंज्यूमर वाहन लोन की सहूलत देने लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पेशकश तहत पंजाब राज सहकारी बैंक वालों त्यौहारों दौरान ग्राहकों इन्हां कर्जों पर प्रोसैसिंग फीस चार्ज वजो छोट की पेशकश की जा रही है। उन्हें कहा कि बैंक सरकारी संस्थावां दे तनखाहदार कर्मचारियों उन्हां दीआं समाजिक आर्थिक लोड़ां पूरियां करन अते घरां लई खपतकार टिकाऊ वस्तुआं की खरीद लई परसनल अते कंज्यूमर लोन मुहैया कर रही है। भगवंत सिंह मान ने मिसाल दिंदिआं कहा कि इस बैंक तो सस्ते दरां ते वाहन लोन प्राप्त करके कोई भी परिवार अपने सुपनिआं दी कार दी सवारी का आनंद लै सकदा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।